अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, यानी कि जो बैक्टीरिया की दो मेजर टाइप्स हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनको हमने क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। तो हम सब जानते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं उनके पास सेल वॉल होती है जो कि पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड जो मतलब उसकी बैक्टीरिया की सेल वॉल को एक तो स्ट्रेंथ देते हैं और दूसरा रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। इसमें मतलब जो डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं बैक्टीरिया को, मतलब डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर वेरिएशन आती हैं जिसको वो इनकाउंटर करता है। फिर जो सेल वॉल है जो मतलब इस मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर में वेरिएशन आने की वजह से उसे स्वेलिंग और श्रिंकिंग से बचाती है। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर उसके कंसंट्रेशन को या मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को इक्वलाइज करता है, उसको बैलेंस करता है। इस मेम्ब्रेन के दोनों मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस को और जो मतलब नॉन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ये इसको वो उसके ज़रिए मतलब ऑस्मोसिस के ज़रिए बैलेंस किए जाते हैं। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो मतलब पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है जिसे हम म्यूरेन भी कहते हैं। अब इसे मतलब ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को यूज़ करके हम कैसे मतलब उनको दो ग्रुप्स में मतलब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिवाइड करते हैं, तो ये सारा कुछ उसकी जो सेल वॉल है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रख के, उसको सामने रख के कि वो मतलब कैसे बिहेव करेगी, उसी बेस पे मतलब उसको आइडेंटिफाई किया गया है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनके पास एक मतलब सेल की थिक वॉल होती है सेल वॉल की, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 30 लेयर्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन पाई जाती हैं, जो जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनके अंदर जो सेल वॉल है उसकी जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है बिल्कुल थिन सी लेयर है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल एक सिंगल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है जिसे हम मोनोडर्म कहते हैं, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनके अंदर दो लिपिड्स बाई लेयर्स होती हैं जिनको हम डाइडैमर भी बोलते हैं। अब जो मतलब मेजर डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अब इसको हम देखते हैं कि क्रिस्टल वायलेट जब हम इन पे अप्लाई करते हैं तो ये कैसे बिहेव करते हैं। तो दोनों मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों ही डिफरेंटली बिहेव करते हैं। सबसे पहले हम क्रिस्टल वायलेट अप्लाई करेंगे, फिर उसको मतलब हम डिक्लराइजेशन सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे जो कि या फिर डिक्लराइजेशन सॉल्यूशन से वॉश करेंगे, वो मेजरली एथनॉल 90% एथनॉल यूज़ होता है या फिर हम सेफ्रनिन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम ये इसको ऐड करेंगे तो वो जाके उसको डिक्लराइज कर देगा, ठीक है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे, वो अपना जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई है उसको वो रिटेन कर जाते हैं और पर्पल ही रहते हैं, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो क्रिस्टल वायलेट को रिटेन नहीं कर पाते और पिंक हो जाते हैं, ठीक। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों जो मतलब डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, इसमें सबसे जो बड़ा मेजर रोल है वो इनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर और उसकी जो फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स हैं उसी की वजह से ही है। क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनकी जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है वो बहुत थिक होती है, जिसकी वजह से वो अपना क्रिस्टल वॉयलेट डाई रिटेन कर जाते हैं, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनके अंदर बिल्कुल थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है जिसकी वजह से वो क्रिस्टल वॉयलेट कलर रिटेन नहीं कर पाते। और उसके बाद जो मतलब मेजर चीज़ आती है वो है कि दोनों हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं दोनों पैथोजन हैं, मतलब ये कि दोनों हमारे लिए मतलब चाहे ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो दोनों के अंदर डिजीज़ काज कर सकते हैं, जबकि जो मोर डेंजरस हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं।
क्योंकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हैं, मतलब वो बहुत जल्द ही रेजिस्टेंट अटेन कर लेते हैं। इसकी एक वजह वो ये है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनकी जो मतलब पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर होती है उसके ऊपर कोई मतलब दूसरी कवरिंग नहीं होती, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनकी उनके अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है उसको एक आउटर कवरिंग ने कवर किया होता है, जिसकी वजह से दे आर मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। ठीक, उसके बाद ये कि हम मतलब सारे बैक्टीरिया को, जितनी भी टाइप्स हैं बैक्टीरिया की, उन सबको हम ग्राम स्टेनिंग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जस्ट हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जबकि हमारे पास एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं, एसिड फास्ट ग्राम बैक्टीरिया, और दूसरे हैं ग्राम वेरिएबल बैक्टीरिया। इनको मतलब हम ग्राम स्टेनिंग से आइडेंटिफाई